नमस्कार, जय सियाराम। मैं आचार्य व्यास जी आप सभी दर्शकों का सुबिच परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी दर्शकों को धन त्रयोदशी के पुण्य पवित्र पर्व की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आइए दर्शकों, आज हम लोग विस्तार से जानते हैं कि इस धन त्रयोदशी पर्व की क्या महत्वता है तथा इसके पूजन की पद्धति और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे इस सूक्ष्म चर्चा में कि महालक्ष्मी की अनंत कृपा को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी कहा जाता है। इसको मनाने के पीछे का एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार आज ही के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी, जो आयु और आरोग्यता स्वस्थ के देवता हैं, वे समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के आज के दिन प्रकट हुए। इसी कारण से इसको धन त्रयोदशी कहा जाता है। मित्रों, धन त्रयोदशी के दिन बहुत सी मान्यता है और इस त्योहार को मनाने का एक रीति और रिवाज हमारे सनातन संस्कृति के अंदर काफी समय से चला आ रहा है। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन सभी भाई बंधु मित्र लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु और धातु के वर्तन आदि को क्रय करते हैं, उनको खरीदते हैं, अपने घर में लाते हैं और विधिवत रूप से उसका पूजन करते हैं। इसके पीछे का आशय सिर्फ इतना सा है कि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, इसलिए विशेष रूप से तो कलश को खरीदने का या कलश को घर में लाने का मूल महत्व है। लेकिन जो अमृत से भरा हुआ कलश है तो वहां सभी भाई बंधु और जिसके मन में जैसा भाव आता है वे धातुओं का संकलन करते हैं। वैसे आज के दिन खरीदने के लिए दक्षिणवर्ती शंख, गौमती चक्र और गुंजा के मोती, साथ ही साथ कमल गट्टा आदि शुभ वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं और इसके साथ में धातु के बर्तन, गृहस्थी के लिए झाड़ू जो महालक्ष्मी का एक स्वरूप है इसको भी अवश्य ही खरीदना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस धन त्रयोदशी के पर्व के शुभ मुहूर्त के विषय में। धन त्रयोदशी 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन सुबह 11:30 से और 3 नवंबर को सुबह 9 बजे तक रहेगी। यह धन त्रयोदशी को सुबह 9 बजे तक रहेगी। यह धन त्रयोदशी की तिथि के अंतर्गत दो मुहूर्त किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हैं, चाहे आपको चांदी, सोना या स्टील आदि जो भी धातु आपको आपकी सुविधा के अनुसार हो वह क्रय करने के लिए एक अभिजीत मुहूर्त और दूसरा विजय मुहूर्त बनता है। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं, 2 नवंबर धन त्रयोदशी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:30 तक रहेगा। उसके बाद किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए आपको दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त मिलेगा, जो विजय मुहूर्त आपका दिन में 2:03 से लेकर के 2:47 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में आप सामग्री को खरीद सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं, धातु को खरीद सकते हैं और शाम के समय वृषभ लग्न के साथ साथ में प्रदोष काल के अंतर्गत आप उनका पूजन कर सकते हैं। आज के दिन कुबेर भगवान, महालक्ष्मी, इनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:30 से और शाम को 8:30 तक का रहेगा। मित्रों, आपको यह भी जानकर के अत्यंत प्रसन्नता होगी, हमारी भारत सरकार ने इस धन त्रयोदशी के दिन इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ आज के दिन दीप दान करने का भी बड़ा विशिष्ट महत्व है कि इस दीप दान के पीछे भी एक कथा आती है। कथा इस प्रकार से है, एक समय में राजा हेम हुए, उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के समय ज्योतिषी आचार्यों को बुला करके उनसे कुंडली की गणना जब की गई तो ज्योतिषियों ने बताया कि इनकी कुंडली के अंदर अकाल मृत्यु का योग है। तब राजा अत्यंत दुखित हुए
उन्होंने समाधान पूछा तो ज्योतिषियों ने कहा कि यदि इनका विवाह होता है तो विवाह के उपरांत इनकी मृत्यु का अकाल मृत्यु का योग बनता है। राजा ने अकाल मृत्यु से बचाने के लिए अपने पुत्र को कहीं अन्यत्र बहुत दूर भेज दिया जहां उनका विवाह न हो ऐसा संभव कर प्रयास किया, परंतु संयोग के कारण एक समय कोई राजकुमारी जहां वो रहते थे वहां से गुजरी। दोनों के अंतर्गत मन प्रेम मिला और गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह के अनुसार कालखंड की आयु और कालखंड की सीमा के अनुसार 4 दिन के बाद राजकुमार की मृत्यु हुई। यम के दूत उनको लेने के लिए आए, परंतु राजकुमारी को अत्यंत विलाप करता हुआ देख करके दूतों ने इस अकाल मृत्यु का कारण जानने का और इससे बचने का उपाय जानना चाहा। उनके दूत यमलोक में पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने यम दूत से पूछा, जो उनके अध्यक्ष थे, कि इस अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय हमको बताएं। तब यमदूत ने कहा कि जो भी मनुष्य धन त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में चतुर्मुखी दीपक को प्रज्वलित करता है उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, भगवान कुबेर की प्रसन्नता के लिए और धन्वंतरी महाराज की प्रसन्नता के लिए धन त्रयोदशी के दिन सायकाल के सुमधुर बेला में शाम को 5:30 से 8:30 तक के इस कालखंड में, इसमें वृषभ लगन है, प्रदोष काल है, जो भी आप बाजार से धातु आदि के बर्तन लेकर के आए हैं, सोना चांदी आपने लिया है, उन सबका विधिवत रूप से पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यदि संभव हो तो महालक्ष्मी की मूर्ति का अभिषेक करिए। गन्ने के रस से, शहद से, गुड़ के जल से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ दर्शकों, आप धन त्रयोदशी की रात्रि में अखंड जागरण करके और महालक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं। और महालक्ष्मी का बड़ा सिद्ध मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के जप से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य, महालक्ष्मी की कृपा से ऐश्वर्य और सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी के इस पूजन के साथ साथ धन त्रयोदशी के पर्व को निर्विघ्नता पूर्वक सभी लोग आनंद के साथ मनाएं। एक बार पुनः मैं आचार्य व्यास जी आप सभी का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सुविच परिवार की ओर से एक बार पुनः दीपावली एवं धन त्रयोदशी की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। जय सियाराम।